नाजरीन, गुज़िश्ता शब सड़क किनारे अचानक मज़ाहिया आर्टिस्ट राना मुनव्वर साहब से मुलाकात हुई, तो इसी लम्हे प्यारे दोस्त फोटोग्राफर काशिफ अंसारी और टिकटॉक स्टार बाबर अली ने कहा कि इनसे ईद कुर्बान के हवाले से बातचीत की जाए। इस मौके पर इनसे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई जो आपकी खिदमत में पेश है। इनसे सवाल किया गया कि इस साल भी क्या आप मुर्गे की कुर्बानी देंगे, तो उनका कहना था कि अच्छा माशाल्लाह बकरा खरीद लिया आपने? खरीद लिया, बकरा खरीद लिया। कसाईयों को दे देंगे ना, कसाई भी तो 30,000 का बकरा होता है, 15,000 कसाई भी हमने बुलवाया होगा, उससे भी बात करेंगे। कसाई जरा ठहरे, 15,000 कसाई मांग रहे हैं आप, 20,000 रुपये का बकरा है, 5,000 रुपये हाथ से ले भाई, घर भी जा सकता है। सही है ना जी। राना मुनव्वर साहब ने ईद और लॉकडाउन के मौके पर महंगे दामों कुर्बानी के जानवर और अशिया की फरोख्त पर भी खुलकर बात की। रमजान में भी ऐसे ही होता है, जब रमजान आता है चीजें महंगी होती शुरू हो जाती है। सही है, तो इसे ये वो जो उसके ऊपर एक आती है पट्टे शट्टे का क्या रेट चल रहा है? पट्टे करिए, क्या खाता है बकरा? बकरा तो पट्टे खाता है। हाँ, तो फिर वो खरीद नहीं रहे पट्टे, वो भी महंगे हो गए ना। अच्छा। जब ये चीजें इतनी महंगी हो रही है तो हर चीज महंगी पड़ता है, और महंगा देख लो। नाज़रीन, हमारे साथ एक अदद कसाई भी मौजूद हैं, जनाब मोहतरम साबर कसाई साहब। आपको पता है लॉकडाउन है, काम काज कोई नहीं है, तो कुछ ऐसे अताई कसाई भी जो है ना इस वक्त मार्केट में दस्तियाब हैं। तो साबर साहब, आप प्रॉपर कसाब हैं या वैसे अताई हैं? कुछ बताना भी, आपने बात भी करनी, सच्ची गल दसनी। मैं कसाई हूँ, खानदानी कसाई हूँ। खानदानी कसाई, परमानेंट है कपड़ा? परमानेंट है, घर पड़ा है। अच्छा, यानी कि शुक्र है नाजरीन के ये हमारे क्या कहते हैं, ये लाइसेंस तो नहीं है इनके पास, लेकिन ये कसाई हैं। तो क्या रेट लेंगे इस बकरा का? बकरे का पहले दिन का, हाँ पहले दिन का 7,000 होंगे। दिन का पहले दिन का 7,000 है, रह गया बकरा किन्ने पै गए? 34,000 च बकरा पै गया। तो बैठ किन्ने कर दें? बैठ पहले दिन 15,000। 15,000 जी, तो जी मार गए बैठ ही दे दें। बहुत अच्छे लो जी नाजरी, बड़ा सोना प्रोग्राम हुआ जनाब राना मुनव्वर साहब का, बहुत शुक्रिया। मोहतरम कसाब जनाब साबर साहब जिहड़े एक हादसाती तौर पर कसाब बने हैं, काम बेचारे कबाबा का करते सी, लेकिन चलो मज़ा मिलेगा। ये नाल ही सानू इजाजत दियो, खुश रहो, बसते रहो। ईद बहुत बहुत मुबारक होवे तुहानू।